first! Yo, hey! Judge it first! Yo, hey! Judge it first! Yo, hey! You have to go up there first! Partido! Partido! You have to go up there first! Partido! 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 जैसे कि पूरा शहर ला मालूम है, शहर के साथ साथ पूरा प्रदेश ला मालूम है कि धमतरी में क्राइम बढ़ते जाते और एकर जो मुख्य कारण है वो है नशा। और नशा में अंकुश लगाना और ये क्राइम में अंकुश लगाना धमतरी एसपी के काम होते, जेकर काम बहुत ज़्यादा जीरो माने जाते। काबर कि अभी तक हमार मोहल्ला के हमार छोटे भाई के दिन दहाड़े शहर में निगम क्षेत्र में मौत हो गए, 10 जन 15 जन घेर के मार दीस। और अभी तक एसपी जिला धमतरी अभी संतावना दे बर का सिटी कोतवाली में तक मिले पर नहीं आए हैं, एक बार परिवार से मिले पर नहीं आए हैं कि कोनो प्रकार के जरूरत है या कार्रवाई में कोनो कमी है तो मोला बताओ। इतना बोले पर भी जिम्मेदार एसपी जो कि हमर रक्षा के जिम्मेदारी वो खुद लेते अभी तक ऐसे नहीं करे। और मैं ये मामला में मांग करता हूँ और मांग के साथ साथ ये बिल्कुल करना चाहिए, एसटी धारा भी लगना चाहिए और जो कि आरोपी है तो मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और ऐसा एसपी हमारा धमतरी में नहीं चाहिए जो घर में सूते रहते, एसपी में एसपी ऑफिस में दिन भर एसी में बैठे रहते, नहीं तो अभी हमारे एक भाई के है कल के दिन में दिन ब दिन ऐसे मौत होते रही। एसपी धमतरी के ऊपर में खुला रूप से मैं यहाँ आरोप लगाता हूँ कि कोई काम नहीं करते और कारण मौत हो है। गुंडागर्दी तो है शहर में लेकिन वो मुख्य कारण है धमतरी एसपी। ओला मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एसपी धमतरी एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, तुम लोग हमन हाँ हमार भाई ला दिल से श्रद्धांजलि देना चाहतन। खबर कि हमार जवान भाई के मौत हो है और हम लोग दिल से श्रद्धांजलि देतन तो अमृत आत्मा ला शांति मिले और परिवार ला सहानुभूति मिले। और हमन हाँ ये दुख के समय में हमार पूरा मोहल्ला वासी हम परिवार के साथ हन। हम लोग गणेश राजपूत फांसी सजा मांग करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा बेटा योगेश कुमार नेता गणेश ने 21 तारीख को
बुरी तरह से बेदर्दी से मारा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं पूरा धमतरी शहर दहशत में है, इसलिए हम लोग चाहते हैं ऐसे हत्यारों को बिल्कुल फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, आगे ऐसा वो काम ना करे किसी। और नहीं मिला फांसी तो आप मेरा सहारा था, मेरा बेटा वही कमा के हम लोग को पालता पोसता था, उसका छोटा भाई है, छोटी बहन और मैं, मेरा पति भी नहीं है, और उसने ऐसा बेदर्दी से मारा है मेरे बेटे को। मैं भी चाहती हूँ और मेरे जितने भी मेरे बच्चे के दोस्त लोग हैं उन लोग भी चाहते हैं कि ऐसे हत्यारे को बिल्कुल फांसी ही मिलना चाहिए। जी सड़क पर उतर गए थे आप लोग, क्या कारण? पुलिस एसपी साहब हम लोग से मिलने नहीं आए, हमारा हाल चाल तक पूछे नहीं, इसलिए हम लोग को आज सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। एसपी से लोग नाराज है, अभी नया कारण है बस, टीआई साहब कुछ की नहीं है बस भाई, चाहते टीआई थी आप टीआई साहब से निकालेगा तो टीआई साहब से मेरी मुलाकात हुई, टीआई साहब से मेरी मुलाकात हुई, टीआई साहब मेरे को आश्वासन दिए और सभी जितने भी आरोपी हम लोग को पुलिस कस्टडी में ले लिए हैं, अभी मेरे को बता है बोले हैं ले लिए हैं कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में ले लिए हैं। अब नहीं आंखें से दो तीन लड़कों को देखी हूँ, लेकिन जो गणेश है उसका गाड़ी है सिटी कोतवाली थाने में, और बिट्टू है उसका भी गाड़ी है वहाँ पे, लेकिन पुलिस कस्टडी में गणेश है कि नहीं ये तो नहीं देखे हम लोग कोई भी, लेकिन दो तीन लड़कों को जो पांडे बोलते हैं वो लड़का है और कोई दो तीन लड़का महाराज, ये लोग को पुलिस कस्टडी में देखे हैं। एक मुख्य आरोपी है धमतरी शहर का, इससे पहले दो तीन हत्याकांडों में वो शामिल हो चुका है और उसको जमानत के रूप में वो बाहर आया है आज की डेट में वो, और ये दूसरा कांड कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार जिनका जवान बेटा गया है, सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपया कैश और इनको सरकारी नौकरी एक घर के कोई भी व्यक्ति को देना चाहिए, नहीं तो अगर उसके बाद अपराधी को फांसी या फिर उम्र कैद की सज़ा, तभी हमारा न्याय होगा, नहीं तो हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। जस्टिस